मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदर वीडियो। और रोड की हालत देखो, नहीं ख़राब है, नहीं बुरी है। और ये रोड की जो हालत है ना, ये आज से नहीं है, पिछले करीब क्या बोलें 10 साल से, 15 साल से ये रोड ऐसे ही है। कुछ कुछ रोड बनी है, वो भी एकदम अजीब सी रोड बनी है। मतलब मेन रोड को छोड़कर अंदर अंदर की गलियों को बनाया गया है। मालूम नहीं क्या पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, लेकिन जो भी पॉलिटिक्स है काफ़ी अजीब है। मतलब मेन जो रोड होती है जहाँ पर लोग चलते हैं, उसको नहीं बनाना है, बनाना उसको है जो बिल्कुल गली में है, जो जहाँ पर कोई आता जाता बिल्कुल नहीं है। जैसे कि ये सामने वाली रोड है, ये बिल्कुल मेन रोड है। और ये रोड की हालत क्या है, ये शायद कैमरा में दिख रहा होगा, जगह जगह से टूटी है, ऊंची नीची है। 15, 20 या 25 की स्पीड से बस आदमी गाड़ी चला सकता है, उससे आगे चलाएगा तो कमर उसकी टेढ़ी हो जाएगी, टूट भी सकती है, लेकिन किसी को इसकी परवाह कहाँ है। परवाह है राजनीति करने की। यहाँ देखो अंदर भी रोड नहीं बनी इधर, तो पूरे शहर का यही हाल है। खासकर मेरे जो एरिया है करेली, उसका भी, उसका तो ये हाल है ही, याद से नहीं है काफ़ी पहले से। देखो बड़ा सा गड्ढा है ना, अब इस गड्ढे में घुसकर किसी की जान भी जा सकती है, किसी की गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, टूट फूट भी सकती है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड, और ये हमने कुछ दिन पहले ख़रीदा था टैंक बैग राइनॉक्स का। इसको चल के दिखाते हैं ठीक से कि कैसा बैग है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, पॉकेट कैसा है और कैसे हमने इसको भी फिट किया हुआ है, क्योंकि ये अभी बहुत ही स्टेबल है और ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इसको फिट करने में, काफ़ी आसानी से फिट हो गया है। इसका प्राइस है हम वीडियो के एंड में बताएंगे। और इसको अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी डाल दिए हैं, तो आप उसको जाके ख़रीद सकते हैं। बाकी कुछ 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ हम जा रहे हैं अभी। ये वाला अटेम्प्ट हमने कल भी किया था, कल भी हम कोशिश किए थे जाने की, लेकिन कल इतनी ज़ोर से तूफानी बारिश होने लगी थी कि ना चाहते हुए भी हमें वापस आना पड़ा। और यार अंधेरा भी हो गया था, और इसीलिए आप देख रहे होंगे मेरा हाथ खाली है। ग्लव कल पूरा भीग चुका था, पैंट पूरा भीग चुका था, ग्लव शर्ट सब कुछ भीग गई थी। हालांकि मेरे पास रेनकोट था और रेन कवर भी था, अच्छा इसके रेनकवर भी हमने कल यूज़ किया, इसी तरह हमने कल भी लगा हुआ था। तो रेन कवर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, इसके अंदर मेरा DSLR है, मोबाइल है, सब कुछ है, तो ये बचा लिया था इसका रेन कवर, इस बैग को। अंदर ज़रा भी पानी नहीं गया था, और पानी इतनी तेज़ था कि क्या बताएं आपको कितना ज़्यादा तेज़ था। तो अभी पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड में, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पहले ओवरऑल व्यू जो आ रहा है मेरी बाइक का इस बॉक्स के साथ, वो कुछ ऐसा है। अच्छा लग रहा है, राइनॉक्स लिखा हुआ है साइड में, और इसका लोगो जो है वो ऊपर के साइड है। यहाँ पर हमने रखा हुआ है कैमरा, हालांकि ये वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है, चार्जिंग के लिए और ईयरफोन जैक के लिए। चेन से मोबाइल को अंदर रख सकते हैं, एक पॉकेट इधर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये ऐसा रबर का कुछ बना हुआ है, इसमें हमने अभी चश्मा लटकाया हुआ है। यहाँ बोतल वगैरह रख सकते हैं, और कुछ जल्दी में रखना हो वो रख सकते हैं। इसके अलावा साइड में एक पॉकेट है जिसमें भी फ़िलहाल हम रेन कवर रखे हुए हैं। इसके अलावा इसी तरह सेम राइट साइड पे भी पॉकेट है जो अभी खाली है। मेन जो कंपार्टमेंट है बीच में, इसमें हमने रखा हुआ है अपना DSLR कैमरा। यह सर रेड कलर का पूरा लाइनिंग पूरी है, और ये काफ़ी अच्छा है, अच्छे मटेरियल का जो कैमरा बैग जिस चीज़ से बनता है, कैमरा को झेलने के लिए काफ़ी ये सॉफ्ट है। और यहाँ पर जैसे सूटकेस में होता था, इसके अलावा यहाँ पे दो और ऐसे रबर की इलास्टिक है जिसमें कुछ टाइट से हम बांध सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तीन पेन रखने के लिए है, एक है इस तरह का पॉकेट, कुछ चीज़ लटका सकते हैं, लटकाने के लिए एक और यहाँ पर है। और इसके अलावा एक ऐसा बैग है जिसमें हमने रखा हुआ है अभी अपना माइक और कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी। ओवरऑल लुक ये है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टच भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है इससे, उसमें कोई इशू नहीं आया। रास्ते में भी हमने यूज़ किया, कोई भी इशू नहीं आया। ये रहा पूरा टैंक बैग, महंगा मिलता है थोड़ा, 3,000-3,500 का ही है। इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देंगे। और इसके अलावा इसको हमने कैसे जोड़ा हुआ ये हम आपको बताते हैं। ये सब स्ट्रैप बैग के साथ मिलेंगे, एक दो और एक ये तीन। ये वाला जो है आगे वाला, वो ऐसे गोल घुमा के ले जा के बांधना होता है,
और ये बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वाला जो पीछे के साइड बंधेगा, पीछे हमने यहाँ पर अब बांधा हुआ है, और ये बकल है, बकल आगे नहीं है, इसको चाहे तो हम कभी भी खोल सकते हैं। ऐसे खोल दिया, बैग उठा के ले गए, इसको ऐसे छोड़ दिया, तो इसको भी रख लें अपने साथ में। और काफ़ी आसान है इसको लगाना, कोई भी मुश्किल नहीं है, बकल को फिट करना भी काफ़ी आसान है। वही सेम चीज़ दूसरी साइड है। तो ये था ओवरऑल राइनॉक्स का टॉप बॉक्स का रिव्यू। बाकी कलर की बात करें तो कलर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बीच बीच में रिफ्लेक्टिव टेप भी है जो रात में लाइट पड़ने पर पता चलता है। रेड कलर की लाइनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, लोगो काफ़ी अच्छा है, चेन की क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि मेरा जो ये टैंक है ये प्लास्टिक का है, ये अगर मेटल का होता तो और ज़्यादा आसानी होती। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिया गया है मैग्नेट, कई सारे मैग्नेट हैं, मैग्नेट निकालने के लिए साइड से ऐसे निकलेगा, ये मैग्नेट है गोल गोल चारों तरफ है, तो ये चार विंग की तरह मैग्नेट है। एक पांचवा भी है, वो यहाँ पर है। बैकपैक बनाना है शोल्डर वाला, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको नीचे उसी बक्कल में शायद फिट कर देना होगा। ये साइड फिट हो जाएगा, ये साइड फिट हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो ये कार्बन फाइबर जैसा टच दिख रहा है हमें, और ये लेदर है, लेदर है या रबर है हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी है क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। सामने भी यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टेप है, यहाँ पर हैंडल है, एक पॉकेट और हमें दिख रहा है यहाँ पर। इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या रख सकते हैं हम। ये शायद एक्सटेंड करने के लिए है, इसको और बड़ा करने के लिए। हाँ, ये बड़ा करने के लिए है। इसको अगर हम पूरा खोल देंगे तो इस बैग में रखने की स्पेस थोड़ी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि इस बैग में सब कुछ है जो एक ट्रैवलिंग के दौरान चाहिए होता है एक बाइकर को। सारा सामान रख सकते हैं, हालांकि इसमें छोटा सा लैपटॉप भी रख सकते हैं अगर छोटा लैपटॉप है तो आपके पास। बाकी इसको अभी हम फिर से लगा देते हैं। Time is 10:05 in the morning and today is 7th of July 2020 and I am here in the parade ground reviewing the bag, the tank bag, that is the bag. Bag काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ख़रीदना हो आप ख़रीद सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी हैंडी बैग। इस बैग की सबसे अच्छी चीज़ हमको ये लगी कि इसका जो स्ट्रैप है वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छी तरह से बाइक को अटैच कर लेता है। आपका टैंक अगर प्लास्टिक का है या फिर मेटल का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही तरीके का जो टैंक है उस पर ये बैग फिट हो जाता है। बाकी हम अभी यूज़ करेंगे, कुछ दिन के बाद राइड पर जाएंगे तो ये अच्छे से पता चल जाएगा। इसके साथ रेन कवर भी है, रेन कवर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है रेन कवर। कल रात में बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई थी, लेकिन जो रेन कवर है उसने पूरा काम अच्छे से किया, और कैमरा मोबाइल सब था बैग के अंदर, कुछ भी नहीं भीगा। कहने का मतलब ये कि पैसा स्वार्थ वाला बैग है, अच्छा बैग है, दिखने में अच्छा लुक है, और ब्रांड राइनॉक्स की आपको पता ही होगा कि काफ़ी बेहतरीन होती है। दिस इज़ इट, दिस इज़ दी ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट्स एंड एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आई यूज्ड माय गिम्बल टू मेक माय शॉर्ट्स मोर स्मूदर एंड मोर नाइसर। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ दी ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। You can comment also, you can share this video, and please don't forget to subscribe my channel. Anjana Musafir. See you in the next video, maybe tomorrow. Bye bye. Thank you.